लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. हाँ ठीक. हाँ क्वेश्चन क्या था? चार एक्स साइन इनवर्स एक्स, फिर सेकंड रूट ऑफ एक्स रेज टू एक्स. ये तो किसी ने किया था आई थिंक ग्रुप पे ना. दूसरा वाला रूट एक्स रेज टू एक्स. रूट एक्स रेज टू एक्स एक्स. अच्छा इसको भी टाइप कराया था मैंने साइन वाला. ठीक है और तीसरा एक्स अपॉन टेन एक्स. एक्स अपॉन टेन एक्स. टेन एक्स. और चौथा वन प्लस एक्स रेज टू वन बाय एक्स. प्लस एक्स रेज टू वन बाय एक्स. ठीक है तो पहले का आंसर क्या आया? एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ बेटा सर आप ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाले क्वेश्चन करके दिखा सकते हो क्या? कि मेरे को अब तक नहीं समझे. तुम क्या कर सकते हो? तुम जब तुमको चार क्लास हम समझा रहे हैं और तुमको चार क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें बताओ? हर क्लास में तुम चारों क्वेश्चन करवाते हो. सर एक लास्ट क्वेश्चन कर दो आप, उसके बाद मैं पूछूंगा. तरीका क्या होता है जो क्वेश्चन क्लास में किया आता है ना उसको वापस से घर पे नोट्स देख देख किया आता है और तुम लोग करते नहीं हो. शायद नोट्स भी कॉपी नहीं करते होगे. एक्स प्लस एच साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो. यही है लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लिए क्या आएगा? एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस एच साइन इनवर्स एक्स प्लस एच बाई एच. सेपरेट कर दिया अंडर द एजम्पशन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. ये बात चमकती है? यस सर. यस सर. अभी ये वाले पार्ट में ये वाला पार्ट तो पहले भी किया है हमने. साइन इनवर्स एक्स प्लस एच को थीटा, साइन इनवर्स एक्स को अल्फा, एक्स प्लस एच को साइन थीटा, एक्स को साइन अल्फा. अगर एच टेंस टू जीरो है दैट इम्प्लाइज थीटा टेंस टू अल्फा, है ना? यस सर. फिर क्या होगा? हाँ तो इस एक्स को तो एक्स रहने दो. साइन इनवर्स एक्स प्लस एच तुम्हारा हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा बाई साइन थीटा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस एच लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सॉरी और लिमिट थीटा टेंस टू अल्फा. ठीक है क्या होगा तुम्हारा? x इंटू थीटा माइनस अल्फा बाई टू टू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू प्लस इसका वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स x. लिमिट लगाना है दोस्तों. तुम एक चाहे तुम 10 बार करो क्वेश्चन, मेरा प्रोसेस वही रहेगा हर बार करने का. इसका लिमिट वन हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स इंटू वन बाई कॉस अल्फा प्लस साइन इनवर्स एक्स और ये आ जाएगा तुम्हारा एक्स बाई वन बाई कॉस अल्फा. कॉस अल्फा इज वन माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा इज वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स. बेसिक लिमिट्स लगानी है बस. ओके सर.
ठीक है, तुमने जिसने डाउट पूछा तुम कॉपी करते हो? हाँ सर, सब क्वेश्चन करता हूँ। कहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब तुमने अटेम्प्ट किया था चारों क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा आंसर तो कुछ भी आता है, मतलब जो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकते ऐसे आता है। तूने जो जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं तूने सारे वैसे ही स्टेप्स किए, कुछ अलग किया है तूने? सर मैंने वो थीटा वाले स्टेप तक बराबर किया था जिसमें थीटा और अल्फा लेते उस तक बराबर किया था, उसके बाद थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया। सेकेंड थर्ड फोर्थ सर वो मैं करूंगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ का आंसर दे दें, आंसर है आपके पास? हाँ सर हो गया। सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन क्या बताओ जरा। एक्स सर रूट एक्स की पावर एक्स। रूट एक्स की पावर एक्स है ना, कितना आंसर आ रहा है इसका? सर रूट एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स। अबे रुक जाओ, हाँ रुक जाओ ना यार। ठीक है आएगा, ठीक है तो ये आएगा एक्स। देखो सही है क्या? यस सर। सर सेकंड वाला एक बार क्या प्लीज? कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड भी करें? चलो ठीक है। बोलो क्या है? F इज इक्वल्स टू रूट एक्स की पावर। ठीक है, तो जो हमने लिखा है आपको x प्लस h ये पावर बोलिए, आई थिंक हमको ऐसा लगता है ये पहला ही क्वेश्चन हमने ऐसा ही कराया था आपको। यस सर, आपने x की पावर रूट टू x वाला करवाया। y h लिमिट h टेंस टू जीरो है ना। अब ये तो हमको मालूम है, चलो एक बार सारा स्टेप कर देते हैं फिर आपके लिए। सारा स्टेप करने बड़ी गदर मच जाएगी। e की पावर x प्लस एच माइनस ई की पावर x लॉन रूट एक्स बाई एच है ना। अब ये बाहर बाहर आता है ई की पावर x लॉन रूट एक्स वो बाहर वा अरे रे 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 हाँ ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हारा हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? e की पावर x प्लस h लॉन ऑफ x प्लस h माइनस x लॉन रूट एक्स माइनस x लॉन रूट एक्स माइनस वन बाई एच है ना। सर अभी यहां से हो जाएगा, मैंने मालूम चलेगा मिस्टेक हुई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था? x बाई टेन एक्स है ना। यस सर। यस सर। तो क्या आंसर आया इसका? टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टेन स्क्वायर। और चौथा क्या था?
वो हो जाएगा वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स और वन बाई एक्स वन प्लस एक्स प्लस अच्छा ठीक है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लॉन वन प्लस एक्स मेरा ये आ रहा है हाँ सर यही है अरे ये क्लियर है क्या हाँ सर देखो मैं कहोगे तो मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा यार ठीक है मेरा इशू बस इतना है कि आपसे कितना हो रहा है ये बात चमकती है यस सर यस सर तो आप हड़बड़ी मत करो घबराओ मत जितना क्वेश्चन दिया है ना उस नोट्स को आप कर लो आपका नोट्स लिमिट्स का नोट्स कम से कम आपका दो बहुत ज्यादा हो चुका होगा अभी तक ये बात चमकती है यस सर यस सर तो घबराने से नहीं होगा चीजों को कोई एक दिन में रोम नहीं बनता है टाइम लगता है सीखने में ठीक है कंटिन्यूटी में कहां तक पहुंचे थे हम लोग बस बेसिक डेफिनेशन किए थे ना क्वेश्चन भी सॉल्व किया था सर बस दो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे दो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे है ना यस सर अरे बोलो भाई हाँ या ना हाँ सर सर ऐसे क्वेश्चन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू तो कंटिन्यूटी में कुछ नया थोड़ी ना कंटिन्यूटी नथिंग बट इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है मैं क्वेश्चन ऐसा ही लिख रहा हूँ छोटे में लिख रहा हूँ इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू ठीक है दूसरा सर वो जी आई एफ है हाँ स्टैंडर्ड एग्जाम में जब तक मेंशन नहीं रहता है जीआईएफ नहीं लेते हैं और भाई उस दिन क्लास हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे टेन एक्स की पावर टेन टू एक्स आप सब लोगों ने वन करवा के क्वेश्चन गलत करवा दिया था मेरा बोलिए उसका आंसर वन बाय ई आ रहा है ना देखा ना आपने वापस मैंने भेजा था ग्रुप पे आपके यस सर फिर मुझे क्या लगेगा आप लोग क्या आता है क्या नहीं आता है बोलो सिग्नम ऑफ माइनस एक्स कंटिन्यूटी एट हाफ कंटिन्यूटी एट वन कंटिन्यूटी एट फोर बाई थ्री थर्ड क्वेश्चन fractional x minus 1 x better than 1
क्वेश्चन कॉपी कर लिए? यस सर। कॉपी करते रहो। हाँ बोलो। कॉपी हो गया? यस सर। हाँ सर। सारे क्वेश्चन कॉपी हो गए? हाँ सर। साथ साथ करते हैं, ऐसे क्या होगा कुछ लोग छूट जाएगा फिर गड़बड़ा जाता है। ठीक है, सबने क्वेश्चंस कॉपी कर लिया है ना? यस सर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन बताओ क्या है फिर। fx is equals to 2gif sin x minus sin x, 2gif sin x minus sin x है ना? किस पे देखना है कंटिन्यूटी? at x equals to pi by 2। तो क्या, तो कैसे करते हैं देखो कंटिन्यूटी, पहले किस पे निकालना पड़ेगा हमको? pi by 2 पे वैल्यू। यस सर। pi by 2 पे वैल्यू कितनी है इसकी? 2 into 1 minus 1 which is 1। यस सर। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट है pi by 2 प्लस पे क्या होगा बोलो? सर माइनस वन। टू इंटू क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय टू प्लस कितना होगा? जीरो। वन माइनस ना, ये बात चमकती है क्या अभी? यस सर। तो जीरो माइनस वन माइनस कितना हो जाएगा? माइनस वन। माइनस वन। और पाई बाय टू माइनस पे क्या होगा सर? सेम माइनस वन। टू इंटू, ये बात सबको चमकती है ना अभी? यस सर। यस सर। वो कंटिन्यूअस है क्या? नहीं सर। नो सर। नॉट कंटिन्यूअस। क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी करिए तमीज से। कल वाला टेस्ट 75 मिनट्स का रखा है और नेक्स्ट वीक से ना उसको एक घंटे का कर दूंगा मैं। कल वाले में शायद हर में 12-12 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीक से एक घंटा करके 10-10 क्वेश्चन करके करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका लेक्चर होगा कि नहीं? सुबह है ना? हाँ सुबह ले लेंगे यार। सर, तो साथ से नहीं लेंगे। लेक्चर का टाइम सेम है, लेक्चर का एग्जाम का टाइम सेम है। क्या बोल रहे हो, लेक्चर तो शाम को है ना? लेक्चर सुबह है ना? सुबह एग्जाम शाम को है सर। 8 लिखा है ना? 8 PM। 8 PM। सर ये वाला रिमूवेबल है ना?
हाँ बोलो हेलो यस सर हाँ बोलिए ठीक है कॉपी कर लिए सेकंड क्वेश्चन क्या था बोलो GIF 2x for x belonging to 0 7 GIF 2x GIF 2x हाँ x belongs to 0 7 0 पे इक्वालिटी फिर इन फ्रैक्शनल 3x इनटू सिग्नम माइनस x x 1 से 2 दोनों पे इक्वालिटी है x 1 से 2 ठीक है हाँ कहाँ करना है एट हाँ वन बाय फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री कहाँ पे एक्स कल टू वन बाय टू एंड वन एंड फोर बाय थ्री वन बाय टू वन और फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री एट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू ठीक है आ जाते हैं वन बाय टू पे बोलो कैसे करें करोगे खुद से दो मिनट यस सर चलो फटाफट दो मिनट देते हैं फास्ट करो चलो पांच मिनट तीन मिनट देते हैं फटाफट करो फास्ट होना चाहिए सर एक भी नहीं एग्जिस्ट करेगा मतलब ए भी कंटिन्यूअस नहीं है यस सर आ जाओ देखते हैं वन बाय टू पे कैसे स्टार्ट करें बोलो हमेशा अपन ऐसे ही करेंगे है ना ये तीन ट्रायंगल yes, बना के वन बाय टू पे वैल्यू कितनी है वन बाय टू पे गेट वैल्यू कितनी one. हो जाएगी वन हो जाएगी यस सर बिल्कुल बिल्कुल आराम से कोई हड़बड़ी नहीं है वन बाय टू प्लस पे क्या होगा बोलो तो टू वन बाई टू प्लस वन प्लस और वन प्लस का जी आई एफ वन होगा चमकता है ना वन बाई टू माइनस पे आराम से बोलो वन माइनस कितना होगा जीरो
ये तीनों बराबर हैं क्या? नहीं सर। खत्म बात ना, ये बात चमकती है, ऐसे ही करना होता है। यस सर। एट एक्स इज इक्वल्स टू वन बोलो सर, उस पे भी डज नॉट कंटिन्यूअस। डज नॉट कभी, कौन सी अंग्रेजी पढ़े हो बे? सॉरी सर, वो डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट लिख के, डज नॉट कंटिन्यूअस लिख दिया। x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये अच्छा है, देखते हैं। x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है बोलो? 0। ये फील आती है क्या अभी? यस सर। हां जी सर। सर फ्रैक्शनल 3x है। हाँ तो 3 into 1 हो गया ना बेटा। सर फ्रैक्शन के अंदर 3x है ना? अच्छा सॉरी सर। हाँ ठीक है, 1 प्लस पे क्या होगा बोलो? सर 0। 3 प्लस इंटू सिग्नम ऑफ -1 प्लस, हो तो -1 ही रहेगा है ना, और 3 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट दिखता है अभी नहीं दिखता है आजकल? 0 0 ग्राफ से दिखता है ना? हाँ सर। इंटीजर से आगे है ना, और 1 माइनस पे 1, 3 नहीं रहे, 3 माइनस इंटू सर माइनस वन, माइनस वन आएगा, माइनस वन बराबर है क्या तीनों? नहीं सर। क्या हो गया? नॉन कंटिन्यूअस। ये बात चमकती है एग्जाम में, जेई में कंटिन्यूटी आता है, लिमिट्स ज्यादा नहीं आता है, लिमिट्स मिक्स होके आता है कंटिन्यूटी से। एक्स इक्वल टू 4/3 बोलो सर, इस पे भी कंटिन्यूस नहीं है। हाँ देखा जाए, 4/3 पे वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 0 0 4 इंटू सिग्नम 4/3 वैल्यू कितनी आ गई? 0 4/3 प्लस पे 4 प्लस बन जाएगा ना, 4/3 प्लस पे 4 प्लस बन जाएगा ना, 4 प्लस इंटू सिग्नम ऑफ वॉट एवर -4 फालतू में हो गया, ठीक है क्या होगा? 0 इंटू -1 कितना आ गया? 0। Yes, और 4/3 माइनस पे -1 4 माइनस, समझ में आ रहा है? Yes, हाँ, sir. बराबर है क्या सारा? नहीं सर। नहीं ना, फंक्शन क्या हो गया? नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस, ये क्लियर है? यस सर। कॉपी करे बाकी लोग। सर वो ऊपर वाले सिग्नल में -4/3 है ना? हाँ हाँ। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था? जी आई एफ साइन 3π/2x कंटिन्यूटी एट वन जी आई एफ साइन 3π/2x फॉर एक्स लेस देन एंड इक्वल्स टू वन हाँ बोलो टू फ्रैक्शन एक्स माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स ग्रेटर देन वन इस पर चेक करना है एट वन तो वन पे वैल्यू कितनी है इसकी माइनस वन माइनस वन वन माइनस पे बहुत इंटरेस्टिंग आएगा माइनस वन होगा हाँ क्योंकि साइन थ्री पाई बाय टू माइनस पे है ना मतलब माइनस पॉइंट नाइन नाइन ये कितना होगा माइनस वन और वन प्लस पे माइनस वन माइनस वन चमका यस सर यस सर कितना गया माइनस वन तीनों बराबर है ना हाँ सर फंक्शन कंटिन्यूअस है ये बात चमकती है यस सर यस सर रब करें यस सर नेक्स्ट बोलो फोर्थ क्वेश्चन क्या था एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कहां पर करना है वन पर एक्स वन बताओ क्या होगा वन पे फटाफट अब तुम इसमें तो फास्ट हो जाएगा बोलो वन वन पे वन प्लस पे वन माइनस पे है ना yes, और वन प्लस पे और सब पॉलिनोमियल है ना सब पॉलिनोमियल में क्या होता है सीधा वैल्यू पुट कर वन पे वैल्यू कितनी आ रही है वन आ रही one. है वन प्लस पे वन भी वन ही आएगा और वन माइनस पे भी वन ही आएगा सीधा पॉलिनोमियल है ना वी कैन पुट द वैल्यूज फॉर लिमिट्स ना यस फिफ्थ क्वेश्चन क्या था सर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस ए एक्स अपॉन एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस ए एक्स अपॉन एक्स क्यूब हाँ जी फॉर एक्स एन इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो पे बी ए और बी निकालना है सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट जीरो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो अरे कंटिन्यूटी तो बाद में करें पहले लिमिट तो निकालवा दे जीरो पे है कि नहीं यस यस कंटिन्यूटी तो अगला सीढ़ी है ना पहला सीढ़ी क्या है लिमिट क्या है लिमिट जाने के बाद ना तुम्हारा लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है यस सर पहले लिमिट एडजस्ट कराएं हाँ सर लिमिट एडजस्ट कराइए क्या होगा साइन एक्स प्लस ए एक्स बाई एक्स क्यूब दिस शुड एग्जिस्ट और कंटिन्यूटी का क्या होना चाहिए इसको शुड बी इक्वल टू B. B. ये होगा ना बेसिक डेफिनेशन से यस सर
अभी साइन एक्स प्लस ए एक्स बाई एक्स क्यूब का लिमिट एडजस्ट कराएंगे, कैसे होगा लिमिट एडजस्ट? करो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ए एक्स बाई एक्स क्यूब, दिस शुड बी एग्जिस्टिंग एंड इक्वल टू बी फिनाइट एंड इक्वल टू बी, है ना? Yes, क्या आएगा? एक्स इंटू वन प्लस एक्स, है ना बेटा? यस सर, वन प्लस माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स. यहाँ ही चले गए लोग काम करने, बोल चुका दे, बोलो उनको, बोलो एक नाइट आ गया लिख लिया. अच्छा, है ना? तो अब बोलो क्या होगा, नीचे में जो एक्स का जीरो होता है उससे ऊपर छोटा वाला एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना? यस yes, नीचे में एक्स का अगर पावर फोर है तो ऊपर में क्या क्या नहीं कर सकता है? एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन टू, चमकता है क्या अच्छे से अभी? yes, वन प्लस ए जीरो हो गया ना, तो ए इज इक्वल टू माइनस माइनस वन, है ना? और ए इज इक्वल टू माइनस वन हो गया तो अब ये स्टेप है ना जादू वाला, ये चीज क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट जीरो हो जाएगी और लिमिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस वन बाई सिक्स, जो क्या होगा बी. बी ये चमका, ए और बी का वैल्यू ये है और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बाद चमकती है क्या? यस सर. अरे इतना क्लियर है? हाँ सर. कॉपी करिए, जब करें. यस सर. यस सर. चलो आगे बोलो, और क्या क्वेश्चन? सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ए एल एन एक्स. नहीं, एक साइन साइन एक्स की पावर ए एल एन एक्स लॉन एक्स, वही है बेसिक वाला है तो. हाँ, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, और x इक्वल टू जीरो पे जीरो जीरो क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, है ना? तो क्या होना पड़ेगा हम लोग को, लिमिट x चेंज टू जीरो, याद आ रहा है कुछ कुछ बेसिक वाला? हाँ सर, पहले भी काम किया है. इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? जीरो ना. हाँ सर. यस सर. है ना? अब बताओ, इससे पहले भी काम किया है, बोलो क्या पढ़ा था ना? बात हुई है पहले, बताओ. ग्रेटर देन वन ना, सॉरी सर, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ग्रेटर देन जीरो क्यों, बताओ, याद है? हाँ सर, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वापस से करें एनालिसिस इसका, क्या है यार, अगर a लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा? पहले भी कराया था ना, तो लॉन जीरो प्लस भाई क्या हो जाएगा? जीरो प्लस. तो भाई बेटा ये तो गड़बड़ बात है ना, बोलिए. तो पहले कराया है ना सेम एनालिसिस, जीरो पे क्या हो जाएगा? सीधा माइनस इनफी, है ना? और अगर a ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम लोग आपको आपको सिखाया था, मैंने याद नहीं है आपको? एक्सेलेंट. यस सर. लॉन x की पावर a बाई a कर देंगे, डब्बा लॉन डब्बा, वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? दैट मींस a शुड बी ग्रेटर देन. कराया है ना? हां सर. फिर से वही बात, फिर आप लिमिट्स में ना फालतू दिमाग में, जितना मेरा नोट्स है ना वो आप कंठस्थ कर लो. कंठस्थ माने अच्छे से पढ़ लीजिए उसको, जो डाउट है फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए,
अभी नेक्स्ट वीक से मैं कुछ करने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्लॉट खाली हो जाएंगे, तो आप लोग जब चाहो उससे डाउट पूछ सकते हो बैठ के, क्योंकि नॉर्मली आप लोग शाम को ही बिजी होते हो, शाम को मेरे स्लॉट्स खाली नहीं रहते हैं। तो कभी अपने को ये थोड़ा सा मंथ में अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है? रब करें। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ वाला। f of x should be equals to x की पावर a into sin 1 by x। क्या करना है सर? कंटिन्यूस एट a, सॉरी a ढूंढना है फॉर f x कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू जीरो। कंटिन्यूटी करनी है, इसका मतलब इसका लिमिट जो हो वो इसके जीरो के वैल्यू के बराबर होना, कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है ना? यस सर। यस सर। है ना, बताओ यहाँ पे कैसे अप्रोच करें? तो फिर से साइन a ग्रेटर देन 0 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए। हाँ, हमेशा देखा करो ना, a लेस देन 0 में क्या होगा, a लेस देन 0 में क्या होगा, सोचो ये तो बाउंडेड है और नीचे 0 पहुंच जाएगा, वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, पागलपन हो जाएगा। यस सर। अगर a 0 है वापस से क्या होगा, फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी ना, ये हमेशा करो ना मन में, और a 0 से बड़ा है तो क्या होगा, देखो जीरो इंटू बाउंडेड वैल्यू क्या हो गई, जीरो। चुपका अगेन उत्तर क्या रहा, ए ग्रेटर देन जीरो। ये आपको सपना नहीं आएगा सीधे कि ए ग्रेटर देन जीरो, आपको बार 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 ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है क्या ये? यस सर। और क्वेश्चन क्या था, साथी था और था? कॉपी करिए। कॉपी कर लिए ना, एक मिनट सर। तो ये जब पैरामीटर निकालना होता है तो निकालने के थोड़ा सा आराम से निकालना होता है, ठीक है? सही भारी कहते हैं। बहुत ज्यादा टूट जाएगा। हो गया सर। डन सर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए, जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट ए, प्रूव, I just prove that f of x plus g of x is continuous at a.
हम बोलो कैसे करेंगे बताओ सर, जैसे हम लोगों ने लिमिट कैलकुलेशन किया था अगर। हाँ वैसे अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स हम लोग किस पे बात करनी है, ए पे, एच ऑफ तो पहले लिमिट एच एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस जी ऑफ एक्स। चमकता है? यस। लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच ऑफ एक्स बोलो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस जी ऑफ एक्स। ये सब हम एडजस्ट करा सकते हैं ना, अलग अलग है ना। yes, और तीसरा एच ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए, राइट? यस सर। ठीक है, नाउ आप ये देखो, क्या देखो, ये बराबर है ना। हाँ सर। और ये बराबर है ना, काहे क्योंकि कंटीन्यूअस दिया है। एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एज g of a plus is equals to g of a minus is equals to g of a. Yeah. That implies क्या प्रूफ कर दिया हमने, h of a plus is equals to h of a minus is equals to h of a. ये बात चमकती है? Yes. ये कॉपी करो ऐसे, दूसरा और तीसरा खुद से करो। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। समझ के कॉपी किया हो ना? हाँ सर। तो दूसरा और तीसरा में देखो तो क्या हो रहा है, हो गया क्या? कर रहे सर। वैसे ही होगा ना जैसे अभी किया हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस उसकी फील ले आओ ना कि क्यों कंटिन्यूअस है, आगे भी काम आएगा 2 मिनट में, उसकी फील ले आओ, वो फील आनी चाहिए ना अंदर से, क्या हो रहा होगा, एफ ऑफ ए प्लस इंटू जी ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस इंटू जी ऑफ ए माइनस, है ना? और क्या हो रहा होगा,
एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, अभी तीनों बराबर हो जाएंगे ना। यस सर। है कि नहीं बताओ? हाँ सर। अरे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर, अगर भाई एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तो पहली चीज तो ये होगा ना कि एफ और जी जो है उनका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका लिमिट कैसा है, फिनाइट है ना, तो लिमिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, है कि नहीं। Yes, अभी तीसरे वाले में ये वाली कंडीशन क्यों आई है सर? क्योंकि पॉलिनोमियल होना चाहिए। अबे गधे, अबे गधे, पॉलिनोमियल कहाँ से आ गया रे? हाँ, तू लिमिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अगर तेरा जी ऑफ, चल मानते हैं अपन जी ऑफ ए जीरो मानते हैं, जी ऑफ ए जीरो हुआ मतलब क्या हुआ, जी ऑफ ए प्लस इक्वल टू जी ऑफ ए माइनस इक्वल टू जीरो। तो जो ही वो जीरो हो गया, मामला फंस गया ना। हेलो, हाँ हाँ, कल चल जाएंगे दिन में, कल जाकर दिन में ले लेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो ही जी ऑफ ए प्लस जीरो होगा तो तुम लिमिट थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे एफ बाई जी में, कर पाओगे? नहीं सर, नहीं सर। दूध अफ्रीका से लाया था। हेलो तो भाई हर्ष, कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ सर। तो उसको तुमको कंटिन्यूटी वाले सिर्फ कॉपी कर लियो समझ के ना, तो तुमको फील आएगी फिर इस चीज में जो मैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लिखूंगा। तो पहले भी किए हैं ना हमने पार्ट, तो यस सर, लिमिट्स वाले में है ना। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी एट पॉइंट ए, अभी आपको पिछला प्रूफ चमका होगा तो आप बड़े आराम से कर पाओगे। ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स, एक्स लिखने का मतलब क्या बताओ? ये एफ लिखे, ये जी लिखे, ठीक है, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ बाई जी। चलो बोलो, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, बताओ एफ प्लस जी क्या आएगा? कंटिन्यूअस, 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 कंटिन्यूअस। बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो जी वाला कंटिन्यूटी है वो जीरो की वजह से नहीं है, ठीक है। अब यहाँ बताओ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, अब बताओ क्या हो, सोच के बताओ। पिछले पेज से जो प्रूफ है उस प्रूफ से चमकेगा ना, बोलो क्या होगा? एफ कंटिन्यूअस है, जी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब जो डिसकंटिन्यूटी हो रही है, बताओ क्या होगा? अरे आप पिछले पेज में लिखे थे ना, क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो जाएगा, एकदम एकदम ही मूर्ख हो क्या? एफ प्लस जी कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस कैसे होगा, बताओ एग्जांपल बताओ सर। मतलब एफ ऑफ ए लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ ए आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ ए, जी ऑफ ए नहीं आ पाएगा। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वहां पे तुम जोड़े थे ना। यस सर। वहां पे तीन चीज जोड़े थे ना तुम, बराबर हुआ था एफ। हाँ, यार क्या क्या दिक्कत है यार, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तुम तो जी वाली जो वैल्यू तीन लिमिट आएगी वापस में बराबर नहीं रह जाएगी ना, तो प्रूफ का फायदा क्या है? यहाँ पे f माइनस जी डिसकंटिन्यूअस, f इंटू जी, सोच के बताओ। टेक योर टाइम, थिंक। डिसकंटिन्यूअस, और कोई डिस्कस नहीं कर पा रहा है क्लास में, तुमको अकेले थोड़ी पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों को पिछला पेज पे प्रूफ नहीं चमका उनको नहीं बनेगा, बहुत सिंपल सी बात है। पिछला पेज पे बहुत ही उम्दा प्रूफ किया था मैंने, आप लोग प्रूफ पे ध्यान नहीं दे पाते हो,
पिछले पेज में देखो ना आप कंटिन्यूटी क्यों हो रही थी, बताओ यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं हो सकता है कभी, मतलब ग्राफ कंटिन्यूस कब होगा बताओ, कंटिन्यूस कब होगा बोलो, जब जी ऑफ ए वन हो सकता है, जी ऑफ वन, अगर जी ऑफ ए वन मतलब क्या बोल रहे हो, कंटिन्यूस कब हो सकता है एफ इनटू जी, एवरीबडी ऑफ यू जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जीरो होगा तब, हाँ जीरो होगा तब, अगर जी की कंटिन्यू, अगर जी की डिसकंटिन्यूटी जीरो की वजह से हुई, अगर अगर जी की डिसकंटिन्यूटी जीरो की वजह से हुई तो हो सकता है ना यार, आप ये मान लो कि एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मान लिए पांच है, ठीक है, यस सॉरी मतलब हम ये मान लेते हैं कि एफ ऑफ, मैं एग्जाम एफ ऑफ ए का जब जीरो हो गया तो हो सकता है ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, मैं मान लो इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, और जी ऑफ ए जो है फाइव है, जी ऑफ ए प्लस जो है थ्री है, और जी ऑफ ए माइनस जो है टू है, तो अभी एफ इंटू जी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ये बात आप लोग सोच नहीं पाते हो, यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्टेंट चीजें है यार, क्या बोले, और डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बोलिए, सोच के बताइए ना, एग्जाम्पल लो ना यार, एग्जाम्पल लो ना, एग्जाम्पल लेने के पाप थोड़ी ना होता है, एग्जाम्पल लेके बताओ मुझे यार, कम ऑन गाइस, सब डिसकंटिन्यूअस होगा पक्का सर, एग्जाम्पल नहीं ले पा रहे हो, और ए पे माइनस पांच, पांच और जीरो, एफ प्लस जी क्या बन गया बताओ, Continuous. है ना, और obviously discontinuous तो हो ही सकता है ना, अगर मान लो मैं यहाँ पर पांच, यहाँ पे माइनस पांच जो लिया है, तो माइनस छह ले लू तो discontinuous हो जाएगा, ये बात चमक रही है, तो क्या हो सकता है, continuous discontinuous, continuous discontinuous, continuous discontinuous, continuous discontinuous, आप लोग यही टेबल नहीं सोच पा रहे, दूसरे बैच ने इसमें एक और मस्त चीज निकाली थी, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको वो चीज, दूसरे बैच वाले कई बार कहते हैं सर आपको दूसरा वाला बैच में ना आप ज्यादा पढ़ा देते हो डिटेल में, हम लोग को आप कम बताते हो, वो लोग ना कई बच्चों में विष्णु उष्णु आप लोग का लेक्चर सुन लेते हैं, आप लोगों को कोर्स में ज्यादा करा देता हूँ कई बार, इसमें एक और चीज थी अभी नहीं बताऊंगा मैं आप लोग को, आप लोग पहले टेबल, आपको टेबल की फील नहीं आई, आप लोग को इसी पार्ट की तुरंत, इसमें तो आप लोग को तुरंत अंदर से फील आनी चाहिए थी, अरे सर पक्का सर ये डिसकंटिन्यूअस है, कॉपी कर लिए, नहीं सर बाकी थोड़ा, सर
सर आपने डिसकंटिन्यूअस में भी दो टाइप के कराए थे ना, कि एक में LHL और RHL इक्वल हो सकता है, हाँ तो वो वाले केसेस में भी मतलब कैसे होगा, सेम ही होगा? अंतर नहीं पड़ता ना, तू जो भी बोल रहा है ना ये टेबल सबको समझा देगी, तू एग्जांपल ले लेके बना ले, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अरे क्लियर है? यस सर, यस सर। रब करें? हाँ सर, यस सर। देखो कंटिन्यूटी एंड इंटरवल, इंटरवल दो तरह का होता है, एक ए कॉमा बी होता है और एक ये होता है। तो यहां पर बहुत सिंपल है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स नॉट, ये पहले भी लिखवाया था उस दिन, दैट इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस इन ए से बी। यहां पे आ जाता है तीन पार्ट, पहली बात तो एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन ए से बी, ठीक है, दूसरा ए पे चेक करना पड़ेगा ना, चेक कैसे करेंगे, ए पे तो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कैसे चेक करना सिखाया मैं, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें चेक कर लेंगे ना, यस सर, और बी पे जो एग्जिस्ट कर रहा है उस पे चेक कर लेंगे ना, ये बात बताई थी ना मैंने पहले भी तो उस दिन, हाँ सर, हाँ सर, यस सर, ये क्लियर है? यस सर, कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? एक मिनट सर, डन सर। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट्स तो लिखवाए थे मैंने, आप याद है आपको मैंने लिखवाया था, आपके क्लास में लिखवाया था मैंने थोड़ा बहुत, तो पॉलिनोमियल्स, हाँ सर, कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर, कंटिन्यूअस ऑन आर, है ना, यस सर, दूसरा लिखवाया था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंटिन्यूअस इन द डोमेन, कंटिन्यूअस आपको मैं लिखवाया था ना, हाँ सर लिखवाया था, हाँ सर, तीसरा इनवर्स एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉग्स कंटिन्यूअस इन डोमेन, डोमेन, चौथा इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स मतलब टी इनवर्स, टी टी इनवर्स, और ग्राफ से देखी जाता है ना, यस सर, यस सर, कंटिन्यूअस इन डोमेन, है ना, यस सर, यस सर। कॉपी करो,
भागना मत, जो लोग क्लास में अभी रुके रहो, इंपॉर्टेंट चीज 10 मिनट पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। सो अब देखो जो क्या होता है, देखो डिस्कसिंग कंटिन्यूटी एट गिवन पॉइंट इज नॉट डिफिकल्ट बट व्हाइल डिस्कसिंग कंटिन्यूटी इन इंटरवल प्रॉब्लम अराइजेस। क्या प्रॉब्लम आएगी? वी डोंट हैव एक्सप्लिसिटली, वी डोंट हैव एक्सप्लिसिटली द पॉइंट्स वेयर टू, भाई तुमको बता दूं इस पॉइंट पर डिस्कस करो तो आसान है ना? हाँ सर। लेकिन इंटरवल में क्या दिक्कत है, हमें मालूम ही नहीं है किस पॉइंट पे डिस्कस करें। वैसे मान लो ये दिया, मैं ध्यान देना, 3x, x 0 से 5 और x 5 से 10 फ्रैक्शनल 2x। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, ठीक है? तुम कैसे करोगे डिस्कस? प्रॉब्लम आ गई ना, आपको पॉइंट दिख रहे हैं क्या? यस सर। नहीं सर। नहीं दिख रहे हैं यार, कहां दिख रहे हैं तुमको? क्या पॉइंट दिख रहा है सर? ऐसा अलग अलग पॉइंट रहेंगे वैसा, मतलब ग्राफ ब्रेक। अब वही, हाँ तो वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या होता है थंब रूल, वेयर एवर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, जहां पर भी जिस भी पॉइंट के अबाउट फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रही है, वेयर एवर एफ एक्स चेंजेस इट डेफिनेशन, दोज पॉइंट्स need to be checked for continuity। अब तुमको अजीब लगेगा सुनने में ये, ठीक है, कि definition change कर रहा है मतलब क्या होता है? अब देखो चाहे function चाहे कैसा भी हो, definition change करने का मतलब क्या होता है बताओ? What do you understand definition change करना? सर उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बैठता है ना कि नॉर्मली जैसे बिट वाइज पीस वाइज फंक्शंस होते हैं, नॉर्मली जहां पे बिट वाइज पीस वाइज फंक्शंस होते हैं वहां तो दिखता है हमको। जैसे कि मान लो एक फंक्शन, तो नॉर्मली बिट वाइज पीस वाइज चमकता है ना? हाँ सर। क्या चीज? यस, बिट वाइज पीस वाइज फंक्शन है तो इट्स क्लियर वेयर डेफिनेशन चेंजिंग। बताओ क्या मतलब है इसका सर? मतलब वो कुछ पॉइंट्स पे ब्रेक होता है, वो अपने को पॉइंट्स पता है हम लोग। लाइक इन अबव क्वेश्चन दिख रहा है ना कि x इक्वल टू 5 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है कि नहीं? यस सर। बहुत क्लियर है। तो लेकिन क्या होता है कि जो ये होते हैं ना तुम्हारे GIFs, fractionals, signums, ये अपने अंदर भी तो डेफिनेशन चेंज करते हैं। यस सर। ये अपने अंदर भी तो
डेफिनेशन चेंज करते हैं, कैसे बताओ सर जी? आई हैव इंटीजर पॉइंट्स पे चेंज होता, मतलब डेफिनेशन चेंज होती है ग्राफ की। ये बात चमक रही है, जैसे अब इस वाले क्वेश्चन में आपको फाइव तो दिख गया, आप ध्यान देखोगे अगर तो यहां पर और कौन कौन से पॉइंट पे आपका बन रहा होगा। देखो ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, अब जब फंस गया तो बोलो कहां कहां बनेगा आपका इंटीजर, जहां जहां 3x इंटीजर आपका 3x कहां से कहां लाई कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया है तो 3x आपका 0 से 15 हो गया ना। यस सर। तो ये जो GIF 3x है ये अपना डेफिनेशन कहां कहां चेंज कर रही होगी, बोलो 1/3 2/3 समझ रहे हो कितना बड़ा हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। तो या तो आप पागलों की तरह हर बार इतना ब्रेक करना सीख जाओ, या तो आप कितनी बार ब्रेक करोगे, 15 बार ब्रेक करना पड़ेगा ना। चमक रहा है? यस सर। ये तरीका गलत नहीं है, मैं इस तरीके से करके IIT पहुंच गया 1000 रैंक से, ये 15 बार ब्रेक कर करके, ठीक है। बट अदर तरीका कैन बी कि हम लोग सीधा यूज कर सकते हैं ना, क्या चीज कि जहां जहां पे 3x इज इंटीजर वहां वहां पे डेफिनेशन चेंज होगा। क्या मतलब है मेरा इस लाइन का कि डेफिनेशन चेंज होगा? जहां पे 3x इंटीजर होगा उसके पहले कुछ और इंटीजर होगी वैल्यू, उसके बाद कुछ और होगी। ये बात चमक रही है? यस सर। कौन कौन से पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 1/3 2/3 3/3 4/3, ये चमक चलते रहेगा ना, इतने 15 पॉइंट्स आ जाएंगे ना। हाँ सर। या तो आप इसको ब्रेक कर लो और या आप ऐसे कर लो, दिस इज आपका मेथड वन, व्हाटएवर सूट्स यू दैट मेथड शुड बी टेकन। ये बात चमकती है? Yes, बाकी सारे फंक्शन जो होंगे वो बिटवाइज पीस वाइज रहेंगे, ऊपर लॉग है नीचे ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है भाई, बीच वाले पॉइंट पे चेक कर लेंगे, कर सकते हैं ना, बिकॉज उसके पहले में तो लॉग हर जगह क्या है कंटिन्यूअस है, उसके नीचे में हर जगह क्या है ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूअस है। ये जो तीन जो फंक्शन है GIF फ्रैक्शनल सिग्नम, इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये अपने अंदर भी डेफिनेशन चेंज करते हैं। ये बात चमकती है? यस सर। आपको मैं समझा पाया क्या लास्ट का 10 मिनट क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो कॉपी कर लिया अच्छे से, फिर नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं, इसको कॉपी कर लिया, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पेज है, वेरी इंपॉर्टेंट पेज, प्लीज ढंग से कॉपी कर लो हर चीज। सर आपने ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है वो आप डिक्टेट कर सकते हो? हाँ सर, थोड़ा हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रहा है वो ऊपर का। हाँ बोलो 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 सर, ऊपर का हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, डिस्कसिंग कंटिन्यूटी एट गिवन पॉइंट इज नॉट डिफिकल्ट, बट व्हाइल डिस्कसिंग कंटिन्यूटी इन इंटरवल प्रॉब्लम अराइजेस, वी डोंट हैव एक्सप्लिसिटली द पॉइंट्स वेयर टू डिस्कस कंटिन्यूटी। पर नीचे स्क्रॉल तो कीजिए प्लीज। सर बस वो वी डोंट हैव एक्सप्लिसिटी वाला पॉइंट दिखा दीजिए ना सर, बस इसके ऊपर वाला लाइन है बस।
सर वो पॉइंट वन भी क्या लिखा बता दो मेरे। नॉर्मली बिट वाइज पीस वाइज फंक्शन इट्स क्लियर वेयर डेफिनेशन चेंजेस। नॉर्मली इन बिट वाइज पीस वाइज फंक्शन इट इज क्लियर वेयर डेफिनेशन चेंजेस। थोड़ा नीचे का लिखा हुआ करें सर थोड़ा नीचे कर दीजिए नीचे का बाकी। अरे ऐसा क्या लिख दिया भाई जब करूं ये सर हो गया। हाँ सर। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या लिख दिया भाई हम। अरे हो गया। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है तो मतलब तो बात वही रही ना तो एट व्हाट पॉइंट्स Do you look for continuity? एक लाइन में आंसर क्या है? Wherever behavior changes. Definition of function changes. Effects changes. ये one line answer है ठीक है। अब सो कंटिन्यूशन करता हूं एट एक्स नॉट वेयर एफ एक्स नॉट इज
हेलो यस सर और एफ ऑफ एक्स कहाँ चेक करोगे एट एक्स नॉट वेयर एफ एक्स इज इंटीजर तीसरा एट एक्स नॉट वेयर एफ एक्स इज इंटीजर वेयर एफ इज इंटीजर चौथा सिग्नम आ गया तो क्या करोगे ग्रेटर देन जीरो जीरो लेस देन जीरो एट एक्स नॉट वेयर एफ चेंजेस साइन है ना मतलब जहां पे जीरो से निगेटिव हुआ जो भी हुआ मतलब ये बस एक प्राइमरी गाइडलाइन है मेन तो यही है जहां भी डेफिनेशन चेंज हो तुम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो ठीक है तुम्हें फील आएगी ये देखना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स लेस देन वन टू एक्स प्लस फाइव एक्स ग्रेटर देन वन डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ इन आर कैसे करें स्टार्ट बताओ तुम्हारा पहला स्टेप क्या रहता है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए बोलो कहां कहां डेफिनेशन चेंज हो रहा है देखो वन माइनस इनफिनिटी से वन में कोई दिक्कत है क्या कंटिन्यूटी में नहीं नहीं पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस है चमक रहा है वन से इनफिनिटी में कोई दिक्कत है क्या नहीं सर चमक रहा है कुछ कब कहां कहे चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कोई दिक्कत नहीं है ना तो वन पे क्या हुआ है डेफिनेशन चेंज हुआ है ना हाँ सर देखना पड़ेगा क्या हो रहा है बोलो वन माइनस पे कितनी है वैल्यू टू है टू वन प्लस और वन पे वैल्यू कितनी है सेवन 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 ये बराबर है क्या नहीं नहीं फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस तुम्हें चमका इंटरवल में कैसे डिस्कस किया मैंने मैंने कहां से स्टार्ट किया माइनस इन्फिनिटी से कहां तक पहुंचा प्लस इन्फिनिटी बीच में क्या देखा फंक्शन का हर जगह बिहेवियर देखा अब क्या होता है कि दो चीजें होती हैं क्या होता है दो चीजें होती हैं या तो आप पूरे फंक्शन को ही ब्रेक कर दो बिट एंड पीस में और या फिर ये शॉर्टकट से कहां कहां ये इंटीजर वगैरह बन रहा है उससे यूज कर लो आपका जो बेसिक लाइन है वो क्या है वेयर एवर एक्सचेंजेस भाई मैं तो आकाश तीन ही लिखवाया ना ऐसा और भी कुछ हो सकता होगा ना ऐसा अजीब गरीब डेफिनेशन तो यस सर ठीक है अरे इतना क्लियर है क्या हाउ वी चेक दिस थिंग्स हां कॉपी करेंगे सभी लोग बोथ द तरीकाज आर गुड नो प्रॉब्लम पहला तरीका मैं यूज करता था अपने वक्त में और आई नेवर यूज टू फील प्रॉब्लमेटिक है लंबा होता था बट आई यूज टू बी श्योर तुम देखो तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है कॉपी कर लिए ठीक है सभी लोग कॉपी कर लिया यस सर यस सर मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं 7-8-10 क्वेश्चन ठीक है वो करके ही कल आइएगा यस yes.